Hello students, you are most welcome in Phull education classes. I am Reena here. Today we are going to do the fifth part of the diary of a young girl. Children, इसमें जो entries हमने include की हैं वो July 11, 1943 से October 29, 1943 तक की entries include की हैं. इससे previous video में children आपने देखा है कि किस तरह से Mr. Voskuzil को cancer हो गया है और हर कोई जो occupants हैं annex के जितने भी occupants हैं they are worried about his health. आगे देखते हैं चिल्ड्रन, ये जो डायरी एंट्री है जुलाई 11, 1943 की है. अर्लियर वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एनी परेशान है कि हर कोई उसे मिसअंडरस्टूड कर रहा है, कोई भी उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है एंड हर कोई उसके अंदर नेगेटिविटी ढूंढ रहा है और उसके अंदर शॉर्टकमिंग्स ढूंढ रहा है. तो अब एनी अपने आप को ज्यादा काइंड और हेल्पफुल बनाने की कोशिश कर रही है, वो अपने को रिफाइंड करने की कोशिश कर रही है. ऑल दो शी कैनॉट कर्व हर एंगर समटाइम, उसका जो एंगर है वो कभी वो कंट्रोल नहीं कर पाती है. एनी की आई साइड वीक हो रही है चिल्ड्रन, अब उसने लर्न करना बंद कर दिया है और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस भी उसने बंद कर दी है. एंड यू नो चिल्ड्रन की वो कितना उसको क्रेज है पढ़ाई का, वो फ्रेंच सीख रही है, वो शॉर्ट हैंड भी सीख रही है, मैथ की प्रैक्टिस करती है एंड मैथोलॉजीज के ऊपर बुक पढ़ने का उसे बहुत शौक है. बट शी हैज टू स्टॉप ऑल ऑफ देम. हर मदर वॉन्टेड हर टू सी एन आई स्पेशलिस्ट, अब उसकी मदर चाहती है कि वो किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाए. बट बाहर जाने के जो एक थॉट है उससे उसको बहुत ज्यादा डर लगता है, उसे लगता है दैट शी कैन बी नोटिस्ड बाय एनी बडी. चिल्ड्रन जुलाई 30, 1943 की एंट्री है. अब एनी अपने आप को पहले से ज्यादा रिमाइंड करने की कोशिश कर रही है मिस्टर डसल के संग स्पेशली. एज यू नो चिल्ड्रन कि मिस्टर डसल है वो उसके रूममेट है, उनके कमरे में एक टेबल है चिल्ड्रन, वो जो टेबल है वो एनी चाहती है कि एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक उसे यूज करे. बट मिस्टर डसल उसे मना कर देते हैं उस टेबल को यूज करने के लिए एंड इवन कॉल्स हर सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड एंड स्पॉइल्ड. उसको एनी को बहुत बुरा लगता है, वो अपने फादर से कंप्लेन करती है. एनी के फादर इंटरवेन करते हैं मैटर में एंड फाइनली वो मिस्टर डसल को कन्विंस करते हैं कि वो एनी को टेबल यूज करने को अलाउ करें. चिल्ड्रन जुलाई 16, 1943 की एंट्री है. अब एक ट्रू बर्गलरी के बारे में एनी यहां पे मेंशन कर रही है. इससे पहले चिल्ड्रन प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि किस तरह से इन लोगों को दो बार ऐसा डाउट हुआ है कि बर्गलर्स हैं बाहर, ऑल्दो नोबडी वाज फाउंड देयर व्हेन दे वेंट आउटसाइड. बट इस समय जो बर्गलरी हुई है वो रियलिटी में हुई है. ये पीटर को सबसे पहले पता चलता है जब वो वेयर हाउस जाता है और वो नोटिस करता है कि वेयर हाउस का डोर एंड स्ट्रीट डोर दोनों खुले हुए हैं. सो वो पिम को इन्फॉर्म करता है इसके बारे में. पिम यू नो चिल्ड्रन निक नेम ऑफ मिस्टर ओटोफेन. सो पिम आते हैं और वो डोर्स को लॉक करते हैं. यू नो चिल्ड्रन की जो डाउनस्टेयर्स हैं वहां पे एक रेडियो भी रखा गया है. वो जो रेडियो है वो इंग्लिश चैनल को ट्यून करके रखा गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ऑक्यूपेंट्स हैं एनेक्स के वो इंग्लिश चैनल को सुनते हैं. तो पिम ने वो रेडियो को जमा स्टेशन पर ट्यून कर दिया सो दैट नोबडी कुड सस्पेक्ट कि यहां पे कोई इंग्लिश चैनल सुन रहा है. आगे चिल्ड्रन मिस्टर क्लीमेन ने इन लोगों को बताया है कि कैश बॉक्सेस को बर्गलर्स ने चुरा लिया है और बर्गलर्स ने शायद एक क्रो बार का यूज किया है डोर्स को खोलने के लिए. क्रो बार क्या होता है चिल्ड्रन? इट इज अ काइंड ऑफ रॉड होता है, आयरन रॉड होता है. यू कैन सी इन द फोटोग्राफ. जुलाई 19, 1943 की एंट्री है. यहां पे एनी बता रही है कि किस तरह से वॉर की वजह से इतना ज्यादा बाहर भयानक माहौल हो रखा है और बहुत ज्यादा बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं. नॉर्थन एम्स्टरडेम बहुत ज्यादा हैविली बॉम्ब्ड हो गया है. लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ज्यूज के ऊपर इम्पोज कर दिए हैं. डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, डेथ है, वॉयलेंस है एंड गोरी एटमोस्फियर है चिल्ड्रन. 200 पीपल वर डेड एंड मेनी वर वुंडेड. सो इस तरह से जो एनी की एक राइटिंग है इट इज फुल ऑफ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर. ओके, सो हमें ऐसा लगता नहीं दैट वी आर रीडिंग समथिंग, हमें ऐसा लगता है दैट वी आर विजुलाइजिंग समथिंग, जो उसकी राइटिंग का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. आगे चिल्ड्रन जुलाई 23, 1943 की एंट्री है. यहां पे एनी इमेजिन कर रही है कि आफ्टर कि हम कैप्टिविटी से छूट जाएंगे सो व्हाट ईच वन ऑफ द एलेक्स पीपल वुड लाइक टू डू, क्या करना चाहेगा सबसे पहले इस कैप्टिविटी से छूटने के लिए. तो यहां पे वो एक बना के देती है उनके विशेष की क्या क्या है. मार्गरेट एंड मिस्टर वेंडन वो एक हॉट बाथ लेना चाहेंगे. मिसेज वेंडन वो केक बहुत पसंद करती है, शी वुड लाइक टू हैव अ केक. मिस्टर डसल शार्लट के संग एक मीटिंग करना चाहेंगे एंड शार्लट उनकी एक क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड है. मदर वुड लाइक अ कप ऑफ रियल कॉफी. फादर विजिट टू मिस्टर वॉस्कुजिल. चिल्ड्रन यू नो कि मिस्टर वॉस्कुजिल कैंसर से सफर कर रहे हैं एंड ही हैज बीन अ वेरी हेल्पिंग पर्सन टूवर्ड्स देम. पीटर टाउन में विजिट करना चाहेगा और एनी नहीं जानती दैट व्हाट शी वुड लाइक टू डू. ओके, आगे चिल्ड्रन जुलाई 26, 1943 की एंट्री है.
अगेन जो एक हॉरर है वॉ का वो एनी पोर्ट्रे करती है, वो लिखती है कि डे बहुत ज्यादा स्टॉमी है, सायरन बज रहे हैं, गन्स चल रही हैं और पूरी सिटी थिक फॉग से कवर्ड है। एक गुड न्यूज उनके लिए आई है, ऑक्यूपेंट्स के लिए और सारे ज्यूज के लिए, दैट मुसोलिनी ने रिजाइन कर दिया है, किंग ऑफ इटली ने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर दिया है। एंड हु इज दैट मुसोलिनी चिल्ड्रन, यू कैन सी इन द फोटोग्राफ देयर। ये जो मुसोलिनी है ये इटली का एक पॉलिटिशियन है और इटली की जो नेशनल फासिस्ट पार्टी है उसका लीडर है। July 29, 1943 की एंट्री है। मिस्टर डसल ने एक बुक दी है एनी ऑफ मार्गरेट को पढ़ने के लिए, लेकिन जो दोनों सिस्टर्स हैं दे डोंट फाइंड द बुक इंटरेस्टिंग, उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, सो दे डोंट रीड द बुक। आप यहां पे एनी बता रही है कि मिस्टर डसल एंड मिसेस विंडन कितना एंग्री उनसे हो गए हैं, वो उन दोनों सिस्टर्स के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इवन वो ये कहते हैं कि जो एनी है शी इज मैच्योरर देन हर एज, क्योंकि उसको चिल्ड्रन की बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है। अब एनी बाहर से तो रिएक्ट नहीं करती, एज वी नो दैट शी हैव डिसाइडेड टू रिमेन काम एंड कूल, बट इनसाइड उसको बहुत एंगर फील हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो उनको स्लैप करे। एनी कंसीडर करती है मिसेस वेंडान को कि वो पुशी, वेन, कोक्वेटिश, कनिंग एंड इगोटिस्टिकल लेडी है। पुशी मींस फोर्सफुल लेडी है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। कोक्वेटिश का मतलब होता है चिल्ड्रन फ्लर्टेशियस है, मींस एनी को ये लगता है कि मिसेस वेंडान उसके फादर के संग फ्लर्ट करती है। August 3, 1943 की एंट्री है चिल्ड्रन। यहाँ पे एक न्यूज है एक अच्छी इन लोगों के लिए कि इटली ने फासिस्ट पार्टी को बैन कर दिया है। अच्छी न्यूज इसलिए कि जो फासिस्ट पार्टी है इसका एटीट्यूड ज्यूज के लिए बहुत ज्यादा क्रूअल है, बहुत ज्यादा वॉयलेंट है। मिस्टर डसल मिस्टर क्यूगलर से बहुत ज्यादा एंग्री है, क्योंकि मिस्टर क्यूगलर, एज यू नो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव मेंशन कि मिस्टर क्यूगलर बड़ा रेडियो ले गए हैं और उसके प्लेस पे एक छोटा रेडियो रख दिया है। एनी की मिसेस डसल के बारे में बहुत पुअर ओपिनियन है, वो डसल को एज अ जीरो कंसीडर कर रही है। उसे लगता है कि मिस्टर डसल पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और कोई भी जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई भी अपनी व्यूज और ओपिनियन रखते हैं, इट इज नथिंग देयर वर्थ वाइल, कोई भी कुछ भी वर्थ वाइल नहीं है, सब कुछ यूजलेस होता है, गॉसिप्स होता है। अगेन थर्ड ईयर रेड वार्निंग के बारे में एनी लिख रही है। ऑलरेडी बहुत सारी एयर रेड्स हो चुकी हैं, थर्ड ईयर रेड की वार्निंग है, सब लोग डरे हुए हैं क्योंकि जब एयर रेड्स होती हैं तो इतना ज्यादा बॉम्ब्स गिराए जाते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, डेथ एंड ये सब वायलेंस होता है। August 4, 1943 से August 10, 1943 की एंट्रीज हमने इंक्लूड की है चिल्ड्रन। इसमें जो एक जनरल रूटीन है एनेक्स के लोगों का उसके बारे में बताया है। रात को 9 PM में क्या होता है कि एनेक्स में हसल बसल हो जाता है क्योंकि वॉकिंग आवर्स फिनिश हो जाते हैं, नीचे कोई नहीं है ऑफिस में, चेयर्स, बेड्स, ब्लैंकेट्स शिफ्ट किए जाते हैं। जो ऑक्यूपेंट्स है एनेक्स के वो अपने बाथरूम का टर्न लेते हैं। उसके बाद 10 PM को ब्लैकआउट स्क्रीन वुड बी पुट अप चिल्ड्रन। बताया है हमने आपको कि ब्लैकआउट स्क्रीन क्या होती है प्रीवियस वीडियो में, इट डजेंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। नून में मिसेस वेंडान यूज वैक्यूम क्लीनर को यूज करती है बिकॉज नून टाइम में जब लंच ब्रेक होता है तो नीचे जो वॉकिंग आवर में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका लंच ब्रेक होता है तो वो अपना लंच ले रहे होते हैं। मिस्टर वेंडान वुड बी द फर्स्ट टू बी सर्व डिनर। अब मिस्टर वेंडान पहले पर्सन है जिनको डिनर सर्व किया जाता है, वो हमेशा बहुत अच्छा प्रपोर्शन ऑफ फूड लेते हैं। मिसेज वेंडान चोज ऑलवेज द बेस्ट, वो हमेशा बेस्ट लेती है, ओके, वो कभी हेजिटेशन फील नहीं करती है कि मैं के लिए बेस्ट ले रही हूं दूसरों के लिए नहीं। पीटर रिमेन क्वाइट वाइल ईटिंग, वो बात नहीं करता है लेकिन उसकी एपिटाइट एंडलेस है। मार्गरेट एट लिटिल साइलेंटली। एनी की मदर की बहुत अच्छी एपिटाइट है एंड एनी और उसके फादर थोड़ा सा ही खाना खाते हैं। ड्यूरिंग मील एनी वुड रिमेन साइलेंट, शी डजेंट स्पीक, ओके, एंड पीलिंग पोटेटोज वर अ डेली चोर। एक जो उनका डेली का रूटीन है वो पोटेटो को छीलना है। यू नो चिल्ड्रन की बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है, ईटेबल्स अवेलेबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द हेल्पिंग पीपल टू कैरी द ईटेबल्स एंड एनी अदर वेजिटेबल्स देयर, क्योंकि बहुत मुश्किल से छुपा छुपा के वो थोड़ा सामान वहां लाते हैं जो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो उसमें पोटेटोज सबसे ज्यादा उनके लिए मेन है, तो वो डेली का काम है पोटेटोज को पील करना। फ्रीडम इन द एनेक्स वुड स्टार्ट एट 5:30 PM विद द अराइवल ऑफ बेप। अब एनी लिखती है कि जब बेप ऊपर आ जाती है उसके बाद ही एनेक्स में फ्रीडम स्टार्ट होती है। बेप का ऊपर आना इट मींस कि नीचे सारे लोग जा चुके हैं ऑफिस के। सो उसके बाद चिल्ड्रन ये लोग अपनी फ्रीडम को कैसे एंजॉय करते हैं। एनी अब क्या है, 2 फ्लोर्स डाउन जाती है और वॉक करती है। पीटर बोशे को पिक करता है, कैट का नाम है, एंड वो वेयरहाउस कीज लेता है, वो वहां चला जाता है। पेम टाइपराइटर को लेकर अपस्टेयर्स चले जाते हैं। मिसेस वेंडान स्टोव के ऊपर कैटल रख देती है, इस तरह से वो अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं। September 10, 1943 की एंट्री है चिल्ड्रन। अब जर्मन की जो क्लोज एलाई है इटली, उसने अनकंडीशनली ब्रिटेन के आगे सरेंडर कर दिया है। ये इन लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, गुड न्यूज फॉर देम, बिकॉज जो इटली है ये जर्मन
के साथ मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रही है और बहुत ज्यादा एक एट्रोसिटी इन्होंने फैलाई हुई है, तो उन्हें लगता है कि अब जर्मन का जो साइड है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ब्रिटिशर्स ने नेपल्स में लैंड कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया है, और जर्मन ने नॉर्दर्न इटली को ऑक्यूपाई कर लिया। उन्हें ये लगता है कि जो इटालियन किंग है उसने जर्मन के साथ थोड़ा धोखा किया है। अब मिस्टर क्लीमेन को हॉस्पिटलाइज किया गया है, यू नो चिल्ड्रन, कि वो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेमरेज से सफर कर रहे हैं, सो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, सो हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन। चिल्ड्रन, सितंबर 1643 की एंट्री यानी आगे लिखती है कि एनेक्स में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा वर्स हो गए, बहुत ज्यादा बुरे हो गए। इवन एनी हैड टू टेक वेलेरियन, उसे लेना पड़ता है। चिल्ड्रन, इट इज अ मेडिसिन सिडेटिव है जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी से लड़ने के काम आती है। Everybody have forgotten how to laugh. ये जो लाइन है यानी लिख रही है, इट इज वेरी, इट शोज द एगनी एंड पेन दे आर सफरिंग, दे आर गोइंग थ्रू, ओके, कि कितना ज्यादा उनको एक डर में जी रहे हैं कि वो हंसना भूल गए हैं। और स्पेशली टेरेबल विंटर जो आने वाला है उसकी वजह से वो लोग डरे हुए हैं, बिकॉज दे डोंट हैव क्लोथ्स इनफ टू वियर इन द विंटर सीजन। मिस्टर विनमारिन जो कि वेयर हाउस में काम करते हैं, वो सस्पिशियस हो गए हैं एनेक्स के बारे में, और ये डेंजर क्रिएट हो गया एनेक्स पीपल के लिए, क्योंकि मिस्टर विनमारिन को इसलिए शक हो रहा है कि उन्हें लगता है कि पर्टिकुलर टाइम पे बैथ है, चाहे मिस्टर क्यूग्रर है, चाहे वो मिस्टर क्लीमेन है, वो सब कहां चले जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि वो एनेक्स में कुछ ऐसी चीज है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द एनेक्स। लेकिन मिस्टर क्यूग्रर बहुत ज्यादा अलर्ट और कॉशियस है, वो उनको डॉच देना चाहते हैं, कई बार उन्हें डॉच देते हैं, उन्हें इधर उधर उनका ध्यान डाइवर्ट करते हैं। तो एक बार मिस्टर क्यूग्लर एनेक्स के अंदर ही हैं, तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर विनमारिन नीचे हैं, तो बहुत समय तक वो अपने एनेक्स के अंदर ही रहते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं एनेक्स से तो विदाउट शूज जाते हैं ताकि कोई साउंड न क्रिएट हो। अब चिल्ड्रन, सेप्टेम्बर 29, 1943 की एंट्री है, मिसेस विंडान का बर्थडे है। अभी समय उनके बिल्कुल भी नहीं है कि वो बर्थडे को सेलिब्रेट करें, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, एंथुसियास्ट नहीं है। फिर भी उसके जो हस्बैंड है मिस्टर डसल हैं एंड ऑफिस का जो स्टाफ है, उन्होंने कुछ फ्लावर्स एंड पॉट ऑफ जैम मिसेस विंडान को दिया है। बेब को नर्वस फिट पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ टेंशन एंड ओवरवर्क, यू नो चिल्ड्रन, ऑलरेडी उसके पास बहुत सारा काम है ऑफिस का एंड मोर वर्क शी हैज टू डू, कि उसको बाहर जाना पड़ता है बहुत बार टू मीट द डिमांड्स ऑफ द एनेक्स फैमिली। शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है, जो भी चीजें जरूरत है एनेक्स में रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए उसे बहुत बार मार्केट जाना पड़ता है, तो इसीलिए उसको बहुत ज्यादा नर्वस फिट पड़ रहे हैं। एनी के फादर नाराज है जब उन्हें पता चलता है कि जो विंडांस है वो सामान को छुपाते हैं और मीट को या अदर थिंग्स उनको वो छुपा के रखते हैं, तो एनी के फादर इसे बहुत ज्यादा पेन फील करते हैं। अब है चिल्ड्रन, अक्टूबर 17, 1943 की एंट्री है। यहाँ पे 1.5 ईयर हैज बीन कम्प्लीटेड इन द एनेक्स, ओके। अब मिस्टर विंडान को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है एंड एक्चुअली उनके जो 100 गिल्डर्स हैं वो वेयर हाउस से चुरा लिए गए हैं। तो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से देयर इज अ बैटल बिटवीन मिस्टर एंड मिसेस विंडान, दोनों का बहुत ज्यादा बैटल हो रहा है। एक्चुअली मिस्टर विंडान चाहते हैं कि जो मिसेस विंडान वो अपना फरकोट बेच दें, क्योंकि दे हैव टू सेल समथिंग सो दैट दे कुड गेट सम मनी, लेकिन मिसेस विंडान तैयार नहीं है कि वो अपना कोट बेच दें। एवरीबडी इन द एनेक्स वाज टेंस्ड एंड डिप्रेस्ड। अक्टूबर 29, 1943 की एंट्री है, मिसेस विंडान हैड टू सेल हर फरकोट, एटलीस्ट मिस्टर विंडान कन्विंस हो जाती है, उन्होंने अपना फरकोट बेच दिया है। शी गॉट 325 गिल्डर्स फॉर इट, ओके। सामने देखिए चिल्ड्रन, ये एक फोटोग्राफ है, ये गिल्डर का फोटोग्राफ है, ये हॉलैंड की करेंसी है, जब यूरो से पहले हॉलैंड की करेंसी गिल्डर थी, अब वहां यूरो चलता है। तो उनको 325 गिल्डर्स मिले हैं और वो इस मनी को फ्यूचर के लिए सेव करना चाहती है। शी इज नॉट प्रैक्टिकल लेडी, एक्चुअली यहां पे हम देखते हैं उन्हें नहीं लगता है कि एनेक्स में जरूरतें हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सो शी हैज टू शेयर। सो यहां पे मिस्टर विंडान अपनी वाइफ को समझाते हैं कि ये पैसा इस समय यहां खर्चे के लिए जरूरी है, तो एनी हाउ वो उनसे मिसेस विंडान से पैसा लेते हैं, ओके। अब यहां पे एनी जो लाइन लिख रही है चिल्ड्रन, इसको आप पढ़ेंगे सो यू वुड फील कि उसके अंदर का जो पेन है, वो लिखती है दैट शी फील्स लाइक अ सॉन्ग बर्ड हुज विंग्स हैव बीन रिप्ड ऑफ। सॉन्ग बर्ड एक तरह की चिड़िया होती है, वो अपने को कंपेयर कर रही है चिड़िया से, एक सॉन्ग बर्ड से जिसके विंग्स को काट दिया गया है। सो एक मेटाफोरिकली एंड सिम्बोलिकली जो उसकी एक लाइन है उसे हमें पता चलता है कि वो राइटिंग कितनी स्ट्रांग है, शी इज अ ग्रेट राइटर, और वो बहुत अच्छी तरह से अपनी फीलिंग्स को इन इस लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करती है। ओके चिल्ड्रन, तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट होता है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, उसमें हम पूरा जो हाफ ईयरली तक का आप लोगों का जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कशन, कैरेक्टर स्केचेस, इसके ऊपर सारे आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक चिल्ड्रन टू ऑल ऑफ यू, गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर सब्सक्रिप्शन एंड आत्मा नमस्ते।